Like a hell cut. Hello students. Today we will read chapter 3 Ranga's marriage. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा जो है वो एक अकाउंटेंट का बेटा है और वो एक अलग ही प्रकार का व्यक्ति है वहाँ जो जितने भी ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों के गांव के लोगों के बीच में बिल्कुल ही डिफरेंट प्रकार का व्यक्ति है जो अपनी पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है वैन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर द क्राउड्स मिल अराउंड हीज़ हाउस टू सी वैदर ही हैज़ चेंजड और नोट जब वो बैंगलोर सिटी से शहर से अपने वापस गाँव आता है पढ़ाई करके तो उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है हीज़ आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाव अच्छा भीड़ किस लिए इकट्ठी होती है वैदर ही हैज़ चेंजड और नाट इसलिए इकट्ठी होती है भीड़ कि उसे देखने के लिए कि जो व्यक्ति बाहर से अभी शहर से लौट कर आया है वो चेंज हुआ है या नहीं ये देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होती है इज़ आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे और शादी के बारे में उसके विचार अब बिल्कुल अलग हैं या ऐसे ही हैं वैन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंग मैरिज वाई नोट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजया देखिए जब आप इस टाइटल को देखते हो टाइटल जो हमारे चैप्टर का नेम है तो आप में से हो सकता है कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इस टाइट जो कौन से टाइटल के बारे में कि जो रंगाज मैरिज जो इस चैप्टर का नेम है इसका नाम रंगनाथ विवाह क्यों नहीं रखा गया या रंगनाथ विजय क्यों नहीं रखा गया इसका टाइटल वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याण अब देखिए क्या कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ कि मैं कुछ और भी अलग तरह के बड़े ही अच्छे मतलब रोमांचक जिसे बोलते हैं वो शीर्षक भी मैं रख सकता था जैसे कि जगन्नाथ विजय गिरिजा कल्याण बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरीजाज वेडिंग लेकिन यह कोई जगन्नाथ की विजय या गिरीजा की शादी के बारे में नहीं है इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल या तो हमारे रंगा की शादी के बारे में है इसलिए इसका कोई दूसरा इंटरेस्टिंग या जैसे मज़ाकिया जो है वो टाइटल नहीं चलेगा होशाली इज़ आवर विलेज हमारे गांव का नाम है होशाली यू मस्ट हैव ही डॉफ इट आपने भी इसे अवश्य ही सुना होगा इस नाम को नो वाट ए पी टी नहीं तो बड़ी बड़ा खेद है इस बात के लिए आपने नहीं सुना बट इट इज़ नॉट योर फाल्ट लेकिन इसमें आपके कोई फॉल्ट नहीं है मतलब आपका कसूर नहीं है अगर आपने इस नाम को नहीं सुना तो देर इज़ नो मैंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक क्योंकि इसका किसी भी जोग्राफी की बुक में इस नाम का जिक्र नहीं किया गया और ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट हमारे खुद के लोग भी जो है वो इसे भूल गए आ, दो साहिब्स इन इंग्लैंड सॉरी दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट्स एंड सो मेक नो मैंशन ऑफ इट अब देखिए जो इंग्लिश में लिखते थे वे अंग्रेज वो किसी इस तरह के स्थान के अस्तित्व के बारे में जानते ही नहीं थे इसलिए उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया और दूसरी बात आवर ऑन पीपल टू फॉर गेट अबाउट इट हमारे खुद के लोग इसे भूल गए हैं यू नो हाउ इट इज दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप और आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ वो भेड़ों के एक झुंड की तरह हैं जैसे कि वन शिप वॉक्स इंटू ए पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट यदि एक भेड़ गड्ढे में गिर जाती है तो बाकी बची हुई भी अंधी होकर जैसे कि उसके साथ साथ चली जाती है वैन बोथ द साइब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जो जियोग्राफर्स हैव नोट रेफर टू इट यू कैन नोट एक्सपेक्ट द पुअर कैटरोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप कैन यू अब देखिए जब इंग्लैंड के साहब और जो जोग्राफ़ी वाले जो लोग हैं दोनों ने ही इसका जिक्र नहीं किया तो बेचारे जिसने मैप को बनाया है जिसने नक्शा तैयार किया हम उससे ये बिल्कुल आशा नहीं कर सकते कि उसके दिमाग में ये चीज़ आए कि वो हमारे गांव को मैप में दिखाए कैन यू क्या आप कर सकते हो एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शेड ऑफ़ आवर विलेज ऑन एनी मैप और इसीलिए हमारा गांव के बारे में किसी भी मैप में कोई परछाई तक भी नहीं दिखाई देती सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन सॉरी मांग रहा है कहता है मैंने शुरुआत कहाँ से की थी और फिर दूसरे डायरेक्शन में मैं चला गया इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष वट द स्वीट करीगा डाबू इज टू ए फेस्टिव मील देन होशाले इज़ टू मैसूर स्टेट वट द फिलिंग इज़ टू करीगा डबल वट आई हैव सैड इज एब्सोल्यूटली ट्रू बिलीव मी अब देखिए यदि मैसूर जो राज्य है वो भारत से संबंधित है जहाँ पर जो फेस्टिवल्स होते हैं त्योहारों के ऊपर करी का ये एक मिठाई होती है एक तरह से ये बनाई जाती है तब जो होशल्ली है मै, मैसूर की वो जगह है जहाँ पर इस तरह की मिठाई पूरी बनती है तैयार की जाती है आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन अब देखिए उसने ये भी कहा था कि वट आई हैव सैड इज़ एब्सोल्यूटली ट्रू बिलीव मी कि जो भी मैंने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ मिठाई बनाई जाती है उस चीज़ पर आप विश्वास कीजिए मैंने ये बिल्कुल सही कहा है आई विल नोट ऑब्जेक्ट टू यर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन अब कहता है मैं इसके बारे में जो है ना आपके क्वेश्चन को बीच में नहीं काटूँगा बल्कि मैं अपनी इस बात पर बिल्कुल अधिग रहूँगा कि हाँ जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स क्लोइंगली और फोशली मैं केवल एक ही व्यक्ति नहीं हूँ जो इतने जिल मतलब बड़े इंटरेस्टिंग वे में अपने गाँव के बारे में बोल रहा हूँ वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर भी है हीज़ नेम इज़ गुंडा भट्ट उसका नाम गुंडा भट्ट है ही एग्रीज़ विद मी वो भी मुझसे पूरी तरह से सहमत है ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस अब देखिए वह कई स्थानों पर जा चुका है नो नोट इंग्लैंड लेकिन इंग्लैंड में नहीं इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बिन देयर ही सेज़ नो अनन्या आई हैव लेफ्ट दैट टू यू अब अगर मान लो कोई उससे पूछता है कि आप यहाँ क्यों रहते हो तो वो कहता नहीं अन्ना मैं ये आपके ऊपर छोड़ चुका हूँ आई हैव uh, sorry running around like a flea पेस्टर dog is not for me देखिए flea पैस्टर dog जिसकी खुजली हुई रहती है उन कुत्तों की तरह इधर उधर दौड़ना मेरे नेचर में नहीं है मतलब खुजली वाले कुत्ते कौन होते हैं जैसे किसी को भी अगर खुजली भी हो जाए तो उसको वो ऐसे ऐसे एक जगह नहीं रुक सकता खुजली करते करते इधर उधर कुत्ता जो भाग जाता है मतलब कहने का ऐसा नहीं कि मैं आज यहाँ रह रहा हूँ कल वहाँ रहूँ तो इस तरह से मेरी आदत नहीं ये बताना चाह रहा है आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम दो मैंने अपने समय में बहुत सारे प्लेस स्थानों को देखा है यद्यपि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट या सीन मैनी इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारी जगहों को देख चुका है वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं कम विजिटास एंड आई विल गिव यू ए मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम आप हमारे गांव आइए तो मैं आपको एक कच्चा आम जो है उनमें से तोड़ के खिलाऊंगा डू नॉट ईट इट जस्ट टेक ए बाइट तुम्हें इसे पूरा नहीं खाना बस केवल इसका स्वाद चखना एक बाइट लेके दोरनेस इज़ श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांध्र और जो इसकी खटास है वो सीधा तुम्हें तुम्हारे ब्रह्मांड तक ले जाएगी मतलब कोई खट्टी चीज़ जब हम खाते हैं तो आपको पता आंवला है, है। खट्टा होता है खा के देखो पता चलेगा कैसा लगेगा तो वही बताया है कि उस खट्टे कच्चे आम को आप खाओगे तो आपके मतलब पूरा हिल जाएगा सब कुछ आई वांस टूक वन सच फ्रूट होम एक बार मैं भी ऐसे एक ऐसे फल को अपने घर ले गया एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट तो इससे मैंने उस चटनी बनाई इस फल से ऑल ऑफ एट इट हम सभी ने इसे खाया द कफ वाज कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट और उसके बाद बहुत ज़्यादा खांसी हो गई इट वाज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ़ मेडिसन दे आर द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट और तब मैं मुझे खांसी की दवा मैं जब लेने गया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि इस फल की क्या क्या विशेषताएँ हैं जस्ट एज द मैंगो स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज जैसे हम यहाँ का जो आम है जैसे एक बहुत विशेष प्रकार का है ऐसे हमारे गांव के आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी विशेष मानी जाती हैं वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पोन अब देखिए हमारे जो गांव पर गांव में जो तालाब है वहाँ पर जो पानी वहाँ एक बहुत सुंदर सी बेल उगती है और उसके फूल बहुत सुंदर हैं इट्स फ्लावर्स आर ए फेस टू बी होल्ड और जो मतलब फूलों अगर फूलों को देख ले तो देखते ही रह जाते हैं गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर वेन यू गो टू द पोन फॉर यूर बात एंड यू विल नॉट हैव टू वो अबाउट नोट हैविंग लीवस ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील अब वो जो बेल लग रही है वहाँ से दो तीन पत्ते जैसे तालाब पर जाते हैं लोग पहले जैसे नहाने के लिए जाते थे तो वहाँ से दो तीन पत्ते उस बेल के तोड़ लो फिर आपको कोई पछताने की खेद करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपने दोपहर के भोजन में कुछ पत्ते लिए या नहीं लिए यू विल से आई एम रैम्बलिंग आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ इट इज़ ऑलवेज़ लाइक दैट वेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप ऐसा हमेशा होता है जब भी मैं हमारे गाँव की कोई बात आती है बट इनफ लेकिन बहुत हो चुका इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रोप मी ए लाइन यदि आप में से कोई भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो मुझे एक दो लाइन में लिख के दे देना तो मैं क्या करूँगा आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज़ एंड वट थिंग्स आर लाइक हेयर तो मैं आपको बता दूँगा कि होशाली काम हमारा कहाँ है और यहाँ किस किस प्रकार की चीज़ें हैं द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट डोंट यू एग्री किसी भी स्थान को बड़े अच्छे से जानने के लिए वहाँ पर जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसलिए आप अगर हमारे गांव के बारे में जानना चाहते तो आप यहाँ ज़रूर आइए क्या आप मेरी इन बातों से सहमत नहीं हैं तो मतलब कहने का उसका ये है कि यहाँ की चीज़ों को जानने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए ओके थैंक यू